Hi guys, I'm Chhavi Mittal and today I'm going to tell you what do I carry in my diaper bag. My baby diaper bag. जब आप एक नई मॉम होती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए डायपर बैग में क्या क्या रखना है, बिकॉज एक छोटे बच्चे के साथ अगर आप आधे घंटे के लिए भी कहीं पे स्टेप आउट कर रहे हो तो भी आपको सामान उतना ही कैरी करना पड़ता है, बिकॉज यू नो लिटिल बेबीज आर वेरी अनप्रडिक्टेबल. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट फर्गेट, और मैं एक बार ये चीज़ भूल चुकी हूँ और मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उस दिन, बट अब मुझे कभी नहीं भूलता है, विच इज़ एनी गेसेस? डायपर्स. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायपर्स, क्योंकि बेबी कभी भी सुसु पॉटी कर देता है और उसका डायपर चेंज करना पड़ जाता है. एंड व्हाट एल्स डू वी नीड टू चेंज द डायपर इज वेट वाइप्स. हमेशा बाथरूम अवेलेबल नहीं होता है, सो यू नीड टू ऑलवेज कैरी दीज वेट वाइप्स हैंडी टू क्लीन द बेबी, और बेबी अगर खाना खा रहा है तो क्लीन द बेबीज माउथ एंड हैंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? और उसके साथ में मैं कैरी करती हूँ ये छोटा सा पेट्रोलियम जेली. आई यूज़ दिस एज अ डायपर रैश क्रीम. मुझे लगता है कि ये बहुत ही जेंटल है, सो आई ऑलवेज यूज़ दिस ऑन माई बेबी. आई यूज़ इट ऑन माई फर्स्ट बेबी एज वेल. तो ये हमेशा मैं एक ट्रैवल पैक कैरी करती हूँ डायपर बैग में. और ये है एक चेंजिंग मैट, बिकॉज कहाँ पर चेंज कर रहे हैं बेबी को, कभी कभी गाड़ी में भी चेंज करना पड़ जाता है, तो यू नीड टू बिछाओ समथिंग, राइट? तो दिस इज़ अ चेंजिंग मैट जो मैं गाड़ी में बिछाती हूँ. और ये है एक ड्राई शीट. ड्राई शीट मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कभी प्रैम में बिछानी पड़ जाती है या फिर गाड़ी में भी कभी उसे सोना होता है तो बिछाना पड़ जाता है. कम्स इन वेरी हैंडी, आपका प्रैम की शीट्स भी डर्टी नहीं होती है और कार की सीट भी डर्टी नहीं होती है. ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आई कैरी जो आज मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं बेबी भी नहीं लेके आई हूँ. But one of the other most important things to carry when you're traveling with a baby is extra set of clothes. Not just one, but at least 3 sets of clothes I always carry for Arham. Kyunki little bit also if he spits milk or something, to change karna is a good idea, because baby ko geele kapdon mein nahi chhodna chahiye, right? And another thing which I have learned in my experience, jo carry karna chahiye, is a change of clothes for me. क्योंकि कभी कभी वो मेरे ऊपर सारी उल्टी कर देता है. सो देन आई ऑल्सो नीड टू चेंज माई क्लोथ, राइट? सो अ चेंज ऑफ क्लोथ्स फॉर मी, अ चेंज ऑफ क्लोथ्स फॉर अरहम, 3 चेंजेस ऑफ क्लोथ्स फॉर अरहम. और उसके साथ मैं हमेशा एक या दो या 3 मसलिन क्लॉथ्स भी कैरी करती हूँ, बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए मसलिन क्लॉथ्स हैंडी आते हैं. कभी आपको बेबी को कवर करने के काम आते हैं, कभी यू कैन यूज़ इट एज अ बर्ब क्लॉथ, कभी यू कैन जस्ट यूज़ इट एज अ वाइप, कभी यू कैन जस्ट यूज़ इट एज अ शीट. So I feel muslin cloths come in really handy. Uske alawa swaddle cloth, ek normal general breathable swaddle cloth, not a very warm one, that is also very important. Aur uske alawa main ek bada wala swaddle cloth use karti hu as a nursing wrap, because I completely I'm for public breastfeeding. To jab main use breastfeed karti hu public mein, so then I use that wrap to cover myself. And apart from that, I think अभी अरम बहुत छोटा है, so that's about it. मगर अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है और आप फीड भी कर रहे हो तो I can see those days coming close जब मुझे उसकी फीड भी कैरी करनी पड़ेगी, और साथ में चम्मच, छोटा सा, छोटी सी कटोरी, छोटे से sanitizing wipes, and yes, hand sanitizer, very important. So these are few of the things that I always carry in my diaper bag.